एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम मंगलवार दिल्ली मुंबई और कोलकाता सहित नेशनल हेराल्ड 16 स्थलों पर दरोड़ा पड़ा था। सोनिया और राहुल की पूछपरछ बाद आ कार्यवाही करवामां आवी छे। नेशनल हेराल्ड केस साथ संकळायेल कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले तपास कर रहे ईडीए सोनिया गांधी और राहुल गांधी की लांबी पूछपरछ बाद आ नवी कार्यवाही की। 21 और 26 जुलाई रोज ईडी द्वारा सोनिया गांधी की पूछपरछ कर दिल्ली में घना स्थलों पर दरोड़ा उपरांत कोलकाता और अन्य घना शहरों में दरोड़ा पड़वा आया। सूत्रों कहवुं है कि पूछपरछ बाद ईडी ने लग्यू कि आ केस में दरोड़ा पड़वा जरूर है। ईडी कहवुं है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी सहित घना नेताओं आ समग्र केस में दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा नाम लीधु। आ सिवाय घना ट्रांजेक्शन की बात थी जेनी माहिती एकत्र करने दस्तावेजों की चकासणी करवानी जरूर छे। आ सिवाय नेशनल हेराल्ड नी ऑफिस नो उपयोग केम थाय छे तेनी पण तपास करवामां आवशे। क्योंकि देश डेमोक्रेसी और संविधान को स्वीकार किया है और संविधान के मुताबिक हम अपोजिशन पार्टियों को ऐसा डरा धमका के या उस पे उस पार्टी के जो पेपर जिस पेपर ने इस देश के आज़ादी में आज़ादी की लड़ाई में लड़ी है, नेशनल हेराल्ड हो, कौमी आवाज़ हो, नवजीवन हो, ये सारे पेपर्स उस वक्त शुरू किए थे, प्रॉफिट मेकिंग नहीं थे, ये 1938 में शुरू हुए सो पेपर है। राजनीतिक देश बदले की भावना से ईडी अपने प्रतिद्वंदियों को नाराज कर रही है, उनको चाहती है कि किसी झूठे केस में फंसाए, कोई सिलसिला जारी है। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करेंगे, लेकिन एक चीज बता दें, ना हम डरने वाले न झुकने वाले। हम अंग्रेजों के सामने नहीं झुके और डरे तो इस सरकार के सामने। 12 जगहों पर समाचार चैनलों के माध्यम से पता चल रहा है कि रेड की जा रही है, तो वहां पर जयराम रमेश जी कहते हैं कि हमें चुप कराने की साजिश। जयराम रमेश जी से पूछा जाना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा नेशनल हेराल्ड का मामला है, जिसमें 2000 करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति, जिसमें 2000 करोड़ की संपत्ति जिसका अधिकार हमारे देश के वीरों का था, हमारे देश के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता के सेनानियों का था, उसको लूट कर एक परिवार की जेब में डालने का जब कार्य किया गया, तो यूपीए की सरकार थी जब एक कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आपराधिक मामले सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दर्ज करवाने के आदेश दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशान साध्यू छे। तेमणे लख्यू के तमारी जात ने एकली न समझो, कांग्रेस तमारो अवाज छे अने तमे कांग्रेस नी ताकत छो। तानाशाना दरेक हुकम थी लोकोना अवाज ने दबावाना दरेक प्रयास सामे आपणे लड़वू पड़शे अने हुं अने कांग्रेस तमारा माटे लड़ता आव्या छे अने आगळ पण लड़ीशुं। राहुले केन्द्र पर विरोधीओनो अवाज दबावानो आरोप लगाव्यो। तेमणे कह्युं के आ चोमासु सत्रमां अमे सरकारने लोकोना प्रश्नोना जवाब आपवा मांगता हता, परंतु तमे बधाए जोयुं के केवी रीते सरकारे विपक्षना लोकोने सस्पेंड कर्या। गईकाले चर्चा थी त्यारे पण सरकारे स्पष्ट कह्युं के मोंगफारी जेवी कोई समस्या नथी। बेरोजगारीना मुद्दे कांग्रेस नेताए कह्युं देश बेरोजगारीनी महामारी साथे जजूमी रह्यो छे, करोड़ों परिवारों पासे स्थिर आवकनुं कोई साधन नथी, परंतु सरकार मात्र अहंकारी राजानी छबीने चमकाववा माटे अबजो रूपिया खर्ची रही छे। मोंगफारी अने गब्बरसी टेक्स ए सामान्य माणसनी आवक पर सीधो हुमलो छे। केंद्रीय मंत्री प्रतिभा भौमिके मंगलवार लोकसभा में पश्चिम बंगाल सरकार मंत्री पर निशान साध्यु हतु। तेमणे लोकसभा में जणाव्युं कि जो आपणे 10 वार पण फोन करिए तो बंगाल मंत्री फोन उपाड़ता नथी। बंगाल में आ स्थिति छे। राज्य में केन्द्र सरकार की योजनाओं अमलीकरण साथ जोड़ायेल प्रश्न जवाब में तेमणे आ बात कही। प्रतिमा भौमिकना सूर में सूर पुरावता कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरीए पण कह्युं कि पश्चिम बंगाल में कॉल रिसीव न करवानी अने अमारी बात न सांभळवानी आदत पड़ी गई छे। राज्यनी सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करता तेमणे आ निवेदन आप्युं हतुं। पश्चिम बंगाल भाजपना नेता एसएस अहलुवालियाए बंगाळमां पीएम दक्ष योजनाना अमलीकरणने लगता पूरक प्रश्नो उठाव्या। तेमणे पूछ्युं के शुं मंत्री आ प्रश्नोना निराकरण माटे अधिकारीओ साथे वात करशे। ते जाणीतुं छे के प्रधानमंत्री दक्ष अने कुशल संपन्ना हितग्रही योजनानो उद्देश्य अनुसूचित जाति सहित विविध पछात वर्गना युवानोने कौशल्य शीखववानो छे।
अवेयरनेस करने के लिए उसके लिए एड भी देते हैं, डीएम लोगों को भी पत्र लिखते हैं, और पश्चिम बंगाल का संदर्भ में जो हम वहाँ के मिनिस्टर को भी 10-10 बार फोन करते तो फोन उठाते नहीं है, ऐसा एक स्थिति है। और सबसे और भी है, ऐसा फोन उठाते नहीं है, और मैंने बहुत बार उस सुनिए उठाते नहीं है, और उसका जो सहायक है वो लोग मंत्री का फोन नंबर देने में भी डरता है, ऐसा एक स्थिति है। ऐसा मैं दीदी मैं भी बंगाली हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ, मैं बहुत बार फोन किया हूँ। पश्चिम बंगाल का पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और तेमनी सहयोगी एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी की ईडीए करेली धरपकड़ बाद देश में आ केस गाजी रहा है, त्यारे पश्चिम बंगाल भाजपा नेताओं आ मामले एक्शन में आवी गया है। पश्चिम बंगाल में विरोध पक्ष नेता तथा भाजपा आगेवान शुभेंदु अधिकारी गृहमंत्री अमित शाह साथ मुलाकात की है, जेमा तेमणे अमित शाह ने एवं 100 लोगों लिस्ट आप्यु छे जे टीएमसी माटे पैसा उघरावा माटे जाणीता छे। आम पश्चिम बंगाल भाजपा नेताओं इच्छी रहा है कि टीएमसी माटे पैसा भेगा करता नेताओं पर पण तवाई आवे। पिछले 11 साल में इसमें कम से कम 50,000 से 55,000 सर्विस को ये लोग सेल किया है थ्रू सम पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एजेंट्स। मैं 100 से ज्यादा एमएलए और टीएमसी का कलेक्टर का नाम भी एचएम के पास दिया है, जिन्होंने पूरा बंगाल में ये ब्राइब रैकेट चलाया और रिश्वत उठाया, और पुलिस प्रोटेक्शन में ग्रीन कॉरिडोर बना के भतीजा का घर पार्थो जी का घर में भेजा। महाराष्ट्र में कैबिनेट नू विस्तरण टूंक समय में करवामां आवशे, आंगे चर्चा चाली रही है। राज्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगलवार पुणे में आ बात कही। आ दरमियान तेमणे पाक लोन डेम में पानी की अछत, कोरोना की स्थिति और बूस्टर डोज की समीक्षा करी थी। मीडिया साथ बात करता तेमने तमाम सवालों जवाब आप्या। एटलू नहीं, मंत्रिमंडल विस्तरण ने लईने तेमने कहू कि टूंक समय में कैबिनेट की रचना करवामां आवशे। एकनाथ शिंदे पण विपक्ष नेता अजित पवार पूर जेवा संकट में संवेदनहीन होवाना आरोपों जवाब आप्यो। एकनाथ शिंदे कहू पूर परिस्थिति दरमियान हूं अने नायब मुख्यमंत्री गढ़चिरोली गया था, हेलिकॉप्टर पण तैयार राखवामां आव्युं हतुं, तेनो उपयोग करवानो हतो, परंतु वरसाद एटलो भारे हतो के हेलिकॉप्टर जई शक्युं न हतुं। जो कि अमे पूरनी स्थितिनी समीक्षा करी छे। शिंदे कहू के तेमणे रस्ता पर जई परिस्थितिनो ताग मेळव्यो। राज्य सरकारना कामोनी माहिती आपता मुख्यमंत्री शिंदे कहू के सरकार योग्य रीते चाली रही छे के नहीं, आ सवाल विपक्षने पूछवामां आवो जोईए। खेडूतोने 50,000 रूपिया आपवानी योजना बंद करी देता विपक्ष द्वारा आ सवाल करवामां आव्यो छे, अमे तेनो अमल कर्यो छे। सुप्रीम कोर्टे मंगलवारे ईडी और सीबीआई वडाओना कार्यकाल ने 5 वर्ष वधारवा माटे सरकार द्वारा लावामां आवेल वटहुकम ने पड़कारती अर्जीओ पर केन्द्रनो जवाब मांग्यो हतो। सुप्रीम कोर्ट आ मामलानी सुनावणी 10 दिवस पछी करशे। चीफ जस्टिस एनवी रमनानी आगेवानी हेठळनी बेच 15 नवेम्बर 2021 रोज थयेला ते वटहुकम ने पड़कारती अर्जीओ पर नोटिस इश्यू करी हती के जेना द्वारा सीबीआई और ईडीनी निमणूक ने संचालित करता सेंट्रल विजिलंस कमीशन एक्ट और तेमां सुधारा करवामां आव्या हता। दिल्ली स्पेशियल पुलिस एस्टाब्लिशमेंट एक्ट मुख्य वर्तमान वटहुकम सीबीसी एक्ट की कलम 25 में सुधारो करे छे, जे ईडी डिरेक्टर की निमणूक और कार्यकाल संचालन करे छे। तो दिल्ली एरपोर्ट पर मोटी बेदरकारी सामे आवी छे। अहीं पार्क करायेला इंडिगो प्लेन की बराबर नीचे एक कार अचानक पार्क थी गई थी। आ मोटी बेदरकारी एक वीडियो पण सामे आव्यो छे। एवं कहेवामां आवी रह्युं छे कि इंडिगो नुं आ विमान VTITJ छे। एरक्राफ्ट दिल्ली ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट टर्मिनल T2 पर पार्क करवामां आव्यो हतो। वीडियो में जोवा मळी रह्यो छे कि इंडिगो की फ्लाइट 6E 2022 एरपोर्ट पर पार्क है और तेनी नीचे एक मारुति कार पार्क करवामां आवी छे। नॉनस्टॉप नेशनल न्यूज में हवे जोईए अंदर नी बात। अमेरिकाना स्पीकर नेन्सी पेलोसी ताइवानी यात्रा करवाना छे। ताइवान एक स्वायत्त राज्य छे जेना पर चीन पोतानो दावो करी रह्यो छे। चीने नेन्सी पेलोसी नी ताइवान यात्रानो विरोध करता एक जाणीतो वाक्य प्रयोग कर्यो छे।
पछी न कहता कि अमे तमने चेतवनी नहोती आपी। 1962 ना भारत चीन युद्ध अने 1979 ना वियतनाम चीन युद्ध पहला पण चीने आ वाक्य प्रयोज्य हतुं। અમેરિકાના નેતા નેન્સી પેલોસીની તાઇવાન યાત્રાને લઈને ચીન અને અમેરિકાની વચ્ચે માહોલ ગરમાઈ ગયો છે। ચીન હવે યુદ્ધની ધમકી પર ઉતરી આવ્યું છે। ચીને ધમકી આપી છે કે જો નેન્સી પેલોસી તાઇવાન જશે તો તેમની સામે સૈન્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। આંતરરાષ્ટ્રીય રાજનીતિના વિશેષજ્ઞોના મત પ્રમાણે ચીનની ચેતવણીનો સીધો અર્થ એવો થાય છે કે જેવું નેન્સી પેલોસીનું વિમાન ચીની એર સ્પેસમાં પ્રવેશ કરશે કે તેને મિસાઇલ દ્વારા ઉડાવી દેવામાં આવશે। શી જિનપિંગ અને જો બાઇડન વચ્ચે ટેલિફોનિક વાતચીત પણ થઈ હતી, જેમાં જિનપિંગે કહ્યું કે પ્રજામતની અવગણના થઈ શકે નહીં, જે લોકો આગની સાથે રમત કરે છે તેવો આગમાં બળીને રાખ થઈ જાય છે। આશા છે કે અમેરિકા બાબતે સજાગ થઈ ગયું હશે। જો અમેરિકાના સ્પીકર તાઇવાનની યાત્રા રદ નહીં કરે તો બે મહાસત્તાઓ વચ્ચે યુદ્ધ ફાટી નીકળે તેવી પૂરી શક્યતા છે। ચીનના સંરક્ષણ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે પેલોસી અમેરિકાના ત્રીજા સૌથી મોટા ક્રમના નેતા છે। જો તેઓ ચીનની યાત્રા કરશે તો અમેરિકા અને ચીન વચ્ચેના કૂટનીતિક સંબંધોનો આધાર એક ચીન સિદ્ધાંતોનું ઉલ્લંઘન થશે। જો અમેરિકા દુસ્સાહસ કરશે તો ચીની સેના ચૂપચાપ બેસશે નહીં। ચીનની આ ધમકીઓ બાદ હવે અમેરિકા શું કરશે તેના પર સમસ્ત જગતની નજર છે। બ્યુરો રિપોર્ટ જીએસટીવી। તો 20 ઓગસ્ટ થી 20 સપ્ટેમ્બર સુધી કોંગ્રેસમાં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી થવાની હતી। હવે એ ચૂંટણી થશે કે કેમ તે વિશે સવાલ ઉઠી રહ્યા છે, કારણ કે રાહુલ ગાંધીએ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ બનવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરી દીધો છે। કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ કોને બનાવવા એ વિશે સોનિયા ગાંધી દ્વિધામાં મુકાઈ ગયા છે। સોનિયા ગાંધી વૃદ્ધ અને બીમાર હો અને પ્રિયંકા ગાંધીની મહત્વાકાંક્ષાએ કોંગ્રેસના ભવિષ્યને ત્રિબેટી ઉભું રાખી દીધું છે। હવે તે કઈ તરફ જશે તે જોવું રહ્યું। બ્યુરો રિપોર્ટ જીએસટીવી। તો ઝારખંડમાં સત્તાધારી પાર્ટી જેએમએમ અને વિરોધ પક્ષ ભાજપ વચ્ચે શાબ્દિક યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે ઝારખંડના સીએમ અને જેએમએમના નેતા હેમંત સોરેને મોટો પ્રહાર કર્યો છે। હેમંત સોરેને આક્ષેપ કર્યો છે કે ભાજપ સત્તા બહાર પાણી વગરની માછલીની જેમ તરફડે છે। ઝારખંડના સત્તા પક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચે ખેલાઈ રહેલા શાબ્દિક જંગમાં મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેને ભાજપ પર નિશાન સાધ્યું છે। તેમણે આક્ષેપ મૂક્યો છે કે ભાજપ તેની સરકારને અસ્થિર કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે। પાણી વિના માછલી તરફડે એમ ભાજપ સત્તા વિના તરફડી રહ્યું છે, જો કે હજુ તેને સફળતા મળી નથી। સોરેને કહ્યું કે જે રાજ્યો ભાજપ શાસિત નથી તેની સ્થિતિ શું છે તે જગ જાહેર છે। ઝારખંડમાં પણ જ્યારથી સરકાર બની છે ત્યારથી ભાજપ તેને પછાડવાના પ્રયાસ કરી રહ્યું છે। દર ચૂંટણીમાં દર મહિને અને દર 24 કલાકે સરકાર તૂટવાની અફવા ફેલાવાય છે। કોંગ્રેસના 3 ધારાસભ્યોની ધરપકડ બાદ કોંગ્રેસે પણ આક્ષેપ મૂક્યો હતો કે ભાજપ ઝારખંડમાં તેની સરકાર તોડવાના પ્રયાસ કરી રહી છે। આ વિશે રાંચીના પોલીસ મથકમાં FIR પણ દાખલ કરવામાં આવી છે। કોંગ્રેસના 3 ધારાસભ્યોની ગાડીમાંથી ચિક્કાર નાણાં મળી આવ્યા હતા। તેઓ ભાજપના ઈશારે ઝારખંડ મુક્તિ મોરચો અને કોંગ્રેસની સરકાર તોડવાનો ષડયંત્ર રચી રહ્યા હોવાનો તેમના પર આક્ષેપ છે। પશ્ચિમ બંગાળની પોલીસે તેમની ધરપકડ કર્યા બાદ તેમને કોંગ્રેસમાંથી સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે। આ 3 ધારાસભ્યો ઉપરાંત અન્ય 2 કાર્યકરોની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ જીએસટીવી। તો બિહારમાં સત્તાધારી પાર્ટીઓ ભાજપ અને જેડીયુની વચ્ચેનો વિવાદ કોઈનાથી છૂપો નથી। એક સરકારમાં સામેલ બંને પક્ષો કોઈને કોઈ બહાને એકબીજાને ઉતારી પાડવા મથતા રહે છે, ત્યારે હવે રાજગીરમાં ફિલ્મ સિટીના નીતિશ કુમારના નિર્ણયથી નવો વિવાદ છેડાયો છે। બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર તેમના હોમટાઉન નાલંદાના પર્યટન સ્થળ રાજગીરીમાં ફિલ્મ સિટીનું નિર્માણ કરી રહ્યા છે। આ વિશે ભાજપના ધારાસભ્ય અને ભોજપુરી ફિલ્મના પ્રોડ્યુસર વિનય બિહારીએ ટોણો માર્યો હતો કે નીતિશ કુમારને ફિલ્મ નિર્માણનું કોઈ જ્ઞાન નથી। ઉલ્લેખનીય છે કે વિનય બિહારી જીતનરામ માંઝીની સરકારમાં સંસ્કૃતિ મંત્રી હતા, ત્યારે તેમણે વાલ્મીકીનગરમાં ફિલ્મ સિટી બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો। વાલ્મીકીનગરમાં તાપમાન મોટા ભાગે અનુકૂળ રહેતું હોવાથી તેની પસંદગી કરવામાં આવી હતી। નીતિશે તેમનો આ નિર્ણય ફેરવી તોડતા વાદ વિવાદ ઉભો થયો છે। વિનય બિહારીએ પટનામાં નવું સ્ટેડિયમ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો, તે નિર્ણયને પણ નીતિશ કુમારે ફગાવી દીધો છે। તેમણે કહ્યું કે ભોજપુરી બોલનારા લોકોએ જ ભોજપુરી ફિલ્મ ઉદ્યોગને સર્વાધિક નુકસાન પહોંચાડ્યું છે।
વિનય બિહારી અને નીતિશકુમાર વચ્ચેના વિવાદને ભાજપ અને જેડીયુ વિવાદના ભાગરૂપે જ જોવામાં આવી રહ્યો છે. આ વિવાદ હજુ કેટલો આગળ વધશે તે જોવાનું રહે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, જીએસટીવી.